जो है आम सभी स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि वन विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है पोस्ट निकल कर आया है, जिसमें वन रक्षक के जो है कुल टोटल 1385 पदों पर भर्ती होगा। सहायक ग्रेड थ्री के 187 पोस्ट हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 31 पोस्ट हैं, वहीं जो है शीघ्र लेखक के जो है 34 पोस्ट हैं, हल्का वाहन चालक के 67 पोस्ट हैं, वहीं भारी वाहन चालक के जो है 77 पोस्ट हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वन संरक्षक आपके जो वन विभाग में काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए। और इस समय आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इतने ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकल कर आ रहे हैं, इतने ज़्यादा भर्तियाँ जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए आ रहे हैं, जितने कि आप लोगों ने कभी सोचा नहीं होगा। आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा भर्ती, आपके उम्मीद से कहीं ज़्यादा जो है नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, नए नए भर्ती विज्ञापन, नए नए चीज़ें प्रकाशित किए जा रहे हैं, ताकि आप में से हर एक स्टूडेंट को जॉब मिल सके। आपको बताना चाहता हूं कि वन विभाग के अंतर्गत तृतीय श्रेणी, जिसमें वन रक्षक सहायक ग्रेड थ्री के हो गए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के हो गए, शीघ्र लेखक के हो गए, वाहन चालक के रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती की अनुमति बाबत, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आप सभी स्टूडेंट के लिए हम देखें, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स भर्तियाँ आती हैं, जितने भी रिक्वायरमेंट्स आते हैं, आपको उन सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करना चाहिए। बस आपको ये बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा तो किस तरीके से होगा, आप आगे के बारे में मत सोचिए, आप प्रेजेंट पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, वर्तमान में मेहनत कीजिए और बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दीजिए। आपका मेहनत रहेगा तो आपको डेफिनेटली इसमें सक्सेस जो है आपको जो है अवश्य रूप से जो है मिल पाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, और इसमें सहायक ग्रेड थ्री का भी है, और किस तरीके से आपको आवेदन करना है, किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है, सभी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा। खास तौर पर क्वालिफिकेशंस तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षा की, आपको जो है सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन से पता होना चाहिए कि आवेदन करने के लिए हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आखिरकार किस तरीके से होगा। तो इसमें वन रक्षक की बात करें तो 1385 पोस्ट हैं। अगर वन रक्षक बनना चाहते हैं, वन रक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है सबसे पहले तो आपका 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। सहायक ग्रेड थ्री और डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो इसके लिए भी आपका जो है 12th पास आउट होना चाहिए, 12वीं आपका बोर्ड से होना चाहिए, CGBSE हो या CBSE। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ये आपका कंप्यूटर्स को लेकर है। जी हाँ, आपका एक साल का जो है वन ईयर्स का जो है कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स जो है आपका होना चाहिए। यदि आपने एक वर्ष का ITI कोपा किया है, या फिर आपने एक वर्ष का DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया, फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप जो है आवेदन आसानी से कर सकते हैं सहायक ग्रेड थ्री के डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भर्ती हैं, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वैकेंसी जो आप सभी स्टूडेंट के लिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट जो गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, आप ऐसे हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जितना ज़्यादा आप काम करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप पैशनेट होकर मेहनत करेंगे, आपको कामयाबी भी उतनी ही ज़्यादा मिल पाएगा। और ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यार मुझे सफलता मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगा, ज़रूर मिलेगा। अगर आप 100% मेहनत करने के लिए तैयार हैं, काम करने के लिए तैयार हैं, हार्डवर्क करने के लिए तैयार हैं, तो ये फिर क्यों सोचे कि मुझे कामयाबी मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। 100% आपकी ज़िंदगी जो है बेहतर होगा, बस मेहनत करना, और मेहनत करने से आपको किसी ने रोका नहीं है, मेहनत करने से आपको किसी ने टोका नहीं है, बस वर्क करते जाना है। और जितना ज़्यादा वर्क करते जाओगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करते जाओगे, उतने ही ज़्यादा आपको जो है कामयाबी भी मिलते जाएंगे। सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है, और आने वाला समय जो है आज से कहीं ज़्यादा जो है बेहतर होगा। और वन विभाग में ये सभी भर्ती परीक्षा जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए बोलता हूँ अगर कोई स्टूडेंट जो कंप्यूटर्स कोर्स करना चाहते हैं, कंप्यूटर्स कोर्स कर सकते हैं, चाहे आपका DCA करने का मन हो, PGDCA करने का मन हो, BCA या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर ITI कोपा, ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और जितना ज़्यादा आप वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, आपको उतनी ज़्यादा कामयाबियाँ, उसको उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि, आपको उतनी ज़्यादा सक्सेस भी मिल पाएगा।
और ये बिल्कुल भी मत सोचो यार कि मेरा सिलेक्शन हो पाएगा फिर नहीं हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन होगा तो किस तरीके से होगा। देखिए मैं तो आपको एक ही चीज़ बोलता हूँ, आप मेहनत तो कीजिए, आप तैयारी तो कीजिए, आप जो है भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन तो कीजिए, बाकी ज़्यादा मत सोचिए, सिर्फ मेहनत के ऊपर अपना कॉन्सेंट्रेट करना, अपने मेहनत पर जो है फोकस करना। और यदि आपका मेहनत अच्छा रहेगा, फुल पैशनेट होकर अगर आप स्टडी करेंगे, फुल पैशनेट होकर यदि आप मेहनत करेंगे तो फिर क्यों आपको कामयाबी नहीं मिलेगा, डेफ़िनेटली आपको कामयाबी मिलेगा, डेफ़िनेटली आपकी ज़िंदगी जो है बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है, आपको आगे चलकर बहुत ज़्यादा कामयाबी, आगे चलकर आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस जो है, शोहरत, सफलताएँ जो है मिलने वाला है। सभी चीज़ मुमकिन है, सभी चीज़ें पॉसिबल हैं अगर मेहनत करेंगे तब। अगर आप ये सोचोगे कि यार मैं मेहनत ही नहीं करूंगा और मुझे कामयाबी मिल जाए, मुझे सक्सेस मिल जाए, मुझे तरक्की मिल जाए, मुझे नेम फेम पैसा मिल जाए, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सब कुछ हमारे मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ हमारे हार्डवर्क के ऊपर ही डिपेंड करता है। और जितना ज़्यादा आपका हार्डवर्क रहेगा, जितना ज़्यादा आप पैशनेट होकर उस काम को करोगे, जितना ज़्यादा आप मेहनत करोगे, उतने ही ज़्यादा आपको सफलताएँ, उतने ही ज़्यादा कामयाबी, उतने ही ज़्यादा प्रसिद्धि जो है मिल पाएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से यही बोलना चाहता हूँ कि वन रक्षक के हो, सहायक ग्रेड 3 के हो, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, शीघ्र लेखक हो, वाहन चालक के हो, इन सभी के लिए जो है आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अच्छे से वर्क कीजिए, और जितना ज़्यादा वर्क करेंगे, जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, सफलताएँ भी उतनी ही मिल पाएगा, कामयाबी भी उतनी ही मिल पाएगा, उतना ही ज़्यादा आपको सक्सेस भी मिल पाएगा। और छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक जो है नए नए गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज, एक के बाद एक जो है भर्ती जो है होने वाला है। बस मेहनत करना, मेहनत करने से आपको किसी ने रोका नहीं है, मेहनत करने से किसी ने टोका नहीं है, बस मेहनत करना। और सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, सब कुछ आपके मेहनत के ऊपर ही डिपेंड करता है। आज अगर आप काम करोगे तो आने वाले समय में आपको कामयाबी मिलेगा, आने वाले समय में आपको प्रसिद्धि मिलेगा। और ये चीज़ें बिल्कुल भी मत सोचो यार मैं मेहनत करो तो मुझे कामयाबी मिलेगा फिर नहीं मिलेगा, आपको जो है डेफिनेटली कामयाबी मिलेगा। बस मेहनत करके देखिए, तैयारी करके देखिए, आने वाला समय जो है आज से कहीं ज़्यादा बेहतर होने वाला है, तो आने वाले कल को आज से कहीं ज़्यादा बेहतर बनाना है, तो उसके लिए जो है हमें आज मेहनत करना होगा, हमें आज तैयारी करना होगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए, एंड वीडियोज़ को जितना हो सके अपने फैमिली में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में वीडियोस को शेयर कीजिए। सो इसी तरीके से मेरे चैनल्स पर जो है नए नए वीडियोस, नए नए भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जो वीडियोस मिलते रहेंगे। बस जितना ज़्यादा हो सके मेहनत करना, जितना ज़्यादा हो सके हार्डवर्क करना, जितना ज़्यादा हो सके प्रिपरेशंस करना, मेहनत करने से आपको किसी ने रोका नहीं है, मेहनत करने से किसी ने टोका नहीं है। तो आज आपके पास वक्त है, तो आज में इतने ज़्यादा मेहनत करो, आज में इतने ज़्यादा तैयारी करो, और मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दें।